गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, लास्ट तक देखिए। जैसा कि COVID-19 की वजह से सरकार ने सिलेबस में कुछ कटौती की, कुछ चैप्टर्स हटा दिए, चैप्टर्स के कुछ टॉपिक हटा दिए, लेकिन बड़ी क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों को कौन सा टॉपिक हटा, कौन सा टॉपिक है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि NCERT में कौन कौन से टॉपिक, इवन कौन कौन से पेज, कौन कौन से क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायो में डिलीट किया गया है। आप इसको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं ओझा सर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें बताऊंगा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखिए, जो चैप्टर आपका चला गया था पहले सिलेबस से, पूरी तरह से हट गया था, इसमें फिर से वो चैप्टर आ गया है सॉलिड स्टेट, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो है वो हट गए हैं और उसमें है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और NP टाइप सेमीकंडक्टर। इससे मार्क्स भी बहुत मिलते थे इसमें, लेकिन ये हट गया है। और इस टॉपिक पे रिसर्च करके हमने जो वो किया है वो ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट के क्वेश्चन 1.23, 1.24 और एक्सरसाइज के 17, 18, 20, 22 और 26 बिल्कुल नहीं देखना है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। उसी तरह से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी देखिए वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हट गया है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते थे, क्योंकि जब वांट ऑफ फैक्टर ही नहीं रहेगा आई ही, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 12, 13 और 14 जो आपको अब नहीं करना है। थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका लेड एक्यूमुलेटर, यानी जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं बैटरी, वो फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब फैराडे लॉ, और आपका ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल, ये सब हट गया है। तो आपको इंडेक्स के क्वेश्चन 13, 14 और 15 नहीं करने हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें देखिए कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी में जो भी फॉर्मूले थे अरहेनियस इक्वेशन वगैरह, तो वो सारा एक्टिवेशन एनर्जी सब गायब हो गया है। आपको ज्यादा जरूरी ये है कि ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए कि ये आपको नहीं करना है, और इसमें अगर आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको उसका PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एग्जांपल 4 पॉइंट ये क्लियर नहीं है, फिर 10 और इंटेक्स्ट में 5, 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज में 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30। और उसी तरह सरफेस केमिस्ट्री में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन यानी इमल्सन, इमल्सन आपको नहीं पढ़ना है, और उसमें ये एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट और एंजाइम कैटेलिसिस। तो इधर का तो बताने का कोई वो नहीं है, ये सारे बच्चों के पास है जो CBSE ने दिया है, लेकिन ये वाला जो है आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं भी दिख रहा है कॉपी लेके, तो आपको इन टेक्स्ट का 4th, 5th, 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज के 7, 13, 19, 20, 21 और 22। 6th चैप्टर पूरी तरह से रिमूव हो गया, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हम लोग पढ़ रहे थे और एल्युमिनियम का उसमें एक्सट्रैक्शन और बाकी सब, वो सारा आपका हॉल मेथड, सर्पेट मेथड और ये सब के सब डिलीट हो गए हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए सबसे बड़ा चैप्टर यही था, 8 नंबर का था। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसमें बड़े बड़े टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फीन ये सब हट गए हैं, और जो मेन था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ये हट गया, ऑक्सो एसिड हट गया, तो इसके तो बहुत से टॉपिक हट गए। इसका मतलब कि जो टॉपिक बचा है उसको अब हमें बहुत डीप में और बढ़िया से पढ़ना होगा। तो इसके क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल में 6, 7, 8, 9 और इन टेक्स्ट के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24 और एक्सरसाइज के 13, 15, 16 और 21। और ये है आपके वो टॉपिक जो नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं।
जो सीबीएसई खत्म कर दिया है। देखिए ये 8 चैप्टर डीएफ ब्लॉक, इसमें भी पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता था लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स, अब देखिए ये केमिकल रिएक्टिविटी इसका खत्म हो गया है, तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और आपस में उनके कंपैरिजन और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए कि जैसे KNO4 का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और K2CR2O7 का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था KNO4 और K2CR2O7 जो अब बोर्ड में नहीं आएगा। इससे रिलेटेड जो है इन टेक्स्ट वो 10 क्वेश्चन, इधर आपके एक्सरसाइज के 14 15 16 20 26 29 30 और 33। उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म, बच्चों को बहुत टेंशन होता था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो गया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इंपोर्टेंस था वो खत्म हो गया। तो उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन नहीं करना है वो है एग्जांपल में 4, 5, 6 और इंडेक्स के 9, 4, एक्सरसाइज के 8, 9, 10, 11, 12, 27। ठीक है, अब देखिए आपका ये है 10th चैप्टर हेयर ऑयल के, हम लोग आ गए ऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आपको बहुत ज्यादा वो नहीं है, लास्ट वाला जो होता है ना जो बच्चे पढ़ते हैं DDT आयोडोफॉर्म वगैरह यही टॉपिक खत्म हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा खत्म नहीं हुआ, पूरा आपको प्रिपरेशन पूरी प्रॉपर्टीज तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर भी इसका क्वेश्चन नंबर 13 आउट ऑफ सिलेबस है। एल्कोहल इथर जो है इसमें जो यूजेस थे जो लास्ट में मिथेनॉल और इथेनॉल दिया हुआ था वो बस है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन को रिमूव किया जाए, या उसी तरह एल्डिहाइड कीटोन में भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, यानी एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं बहुत लंबा चैप्टर भी है, इसमें काफी नेमिंग रिएक्शंस आते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 के बाद 13 एमीन, एमीन का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बार बड़ा जबरदस्त होने वाला है, एमीन का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे और वो डाइजोनियम साल्ट भी इस बार खत्म हो गया, यानी एग्जांपल से 5 और इंडेक्स का 19, एक्सरसाइज का 7, 8, 9 और 11 के ये जो पार्ट्स हैं ये आपको नहीं करना है। और बायोमोलिक्यूल्स है उसमें देखिए सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन यानी विटामिन वगैरह और एंजाइम, मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स खत्म ही हो गया है, हल्का फुल्का उसमें है, यानी इसके भी इंडेक्स के 2, 6, 7, 8 और एक्सरसाइज के 5, 6, 7, 8, 19, 20 क्वेश्चन अब आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, और लास्ट आ जाते हैं पॉलीमर, पूरी तरह से पॉलीमर खत्म, वैसे पॉलीमर बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चे रट लेते थे मोनोमर और पॉलीमर उसके आते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसा चैप्टर भी आपको पूरी तरह से अब नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये था आपका केमिस्ट्री। अब देखिए मैथ देखते हैं, वैसे तो मैथ वाले सर का डिपार्टमेंट है वो पूरा बताएंगे ही, लेकिन आज चूंकि वो लोग नहीं है और आज का ही न्यूज है इसलिए ये न्यूज मुझे ही पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए मैथ में क्या है आपको कि मैथ में वो टॉपिक जो नहीं पढ़ना है वो देखिए पहला रिलेशन और फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसमें आपको एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और मिसलेनियस का 1, 2, 3, 6, 7 और 14 क्वेश्चन हट गया है, यानी आपको नहीं करना है। उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.2 और मिसलेनियस का 9 to 17 पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। उसी तरह मैट्रिसेज है, मैट्रिसेज में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेज और एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से हमें नहीं पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर जो आपका है डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये सब नहीं पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपको हटाया गया है वो है 4.2, 4.6 और मिसलेनियस का 2, 11 to 15।
कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में भी वैसे ही है। आपको जो है ये तो सबको पता होगा, सबके पास होगा भी। एक्सरसाइज में 5.8 और मिसलेनियस में 19 क्वेश्चन ही करना है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 6.1, 6.4, मिसलेनियस में 3 और 19, इंटीग्रल में 7.8 और सप्लीमेंट्री मिसलेनियस का 14। ठीक है बच्चों, और अब लास्ट में आ रहे हैं हम लोग 8। इसमें भी आपको एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव चेक कर्व्स और इसमें एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस का 12, 18, 19 नहीं करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 9.3, 9.6 का क्वेश्चन 19, मिसलेनियस का 3, 5, 19 और वेक्टर का सप्लीमेंट्री मिसलेनियस 18। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आपको नहीं करना था। तो मैथ का 3 चैप्टर और बचे हैं, 11, 12, 13, 3D जो है इसमें आपको एक्सरसाइज 11 का 11.2 का क्वेश्चन 10, 11 और एक्सरसाइज 11 का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 13 ये आपको नहीं करना है। उसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी में भी सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको नहीं करने हैं। ये मैथ का डिटेल था। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स और लास्ट में बायो। देखिए फिजिक्स का उतना टाइम नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन अलग अलग किया जा सके, फिजिक्स वाले सर आएंगे तो बताएंगे उसके लिए, लेकिन अभी क्या है कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड में आपको यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर सेल यानी फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ये सिलेबस से बाहर हो गया है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, माने ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये हट गया है और ये एक बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे हट गया बाय द वे। और फोर्थ चैप्टर में आपका साइक्लोट्रॉन हट गया है। मेरे ख्याल से साइक्लोट्रॉन शायद पहले भी नहीं था लेकिन अब है तो होगा, मैं केमिस्ट्री का हूं। आगे फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टॉर्क ये सब टॉपिक से हट गए हैं। ठीक है, आपके एसी करंट में पावर फैक्टर और वाटलेस करंट ये हट गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना है अब आपको। उसी तरह रे ऑप्टिक्स में अगर आप आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर या मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर, सनसेट वगैरह वगैरह ये जितने भी हैं ये अब आपको, या माइक्रोस्कोप वगैरह या जेबीएल टेलीस्कोप पोलराइजेशन ये सब था ये आपको नहीं पढ़ना है। कि बहुत से टॉपिक इसमें से हट गए हैं ये आप लोग नोट करके ध्यान रखिएगा। 9 चैप्टर जो है उसमें आपका डेविसन और गर्मर का एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपको आते हैं 10th, न्यूक्लियाई में काफी कुछ चेंज हुआ है, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ वगैरह वगैरह, लेकिन ये हम लोग केमिकल और काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से खैर हट गया है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है जेनर डायोड नहीं पढ़ना है और जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है वो भी नहीं पढ़ना है। और पार्टिकल्स में आपको कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी जो है ये हट गया है आपके सिलेबस से। बायो में बच्चों आज बायो वाले सर तो आए थे सुबह, लेकिन उस समय तक ये प्रिपेयर नहीं हो पाया था इसलिए बायो वाले सर का भी मुझे ही बताना पड़ रहा है। आइए बायो का न्यूज क्या है कि आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, एस्पोरुलेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, इसके भी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सेपरेट नहीं कर पाए हैं। और इवोल्यूशन में
काफी कुछ नहीं पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी पैलेंटोलॉजी, कंपैरेबल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको नहीं पढ़ने हैं। अब थर्ड में स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, इकोसिस्टम में आपको पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, यानी इसमें भी काफी टॉपिक जो है ना आपके हटे हैं। और लास्ट में अभी और भी एक दो चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल इश्यू में आपका पूरा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन उसका कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन, ये सब सिलेबस से हट गए हैं, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट, और ये सारी टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से हट गए हैं। और सिक्स चैप्टर में लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर एट टू वाइडली डिफरेंट साइट्स, स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड, और स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेंट मेथड, ये रिड्यूस हो गए हैं, ये पार्ट हट गए हैं। और लास्ट सेवन चैप्टर जो आपका है कि स्टडी या ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉलोइंग स्पॉटिंग, इसमें देखिए ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये जान लिए कि इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी टॉपिक जो है उनको नहीं देखना है, ये हम लोग जान लिए। इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, और जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है उनको तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है, कोई ऑर्डर, जैसे कंपटीशन के लिए भी नीट या आईटी के लिए ऑर्डर आता है हम तुरंत आपके सामने लेके, जैसे आज न्यूज पढ़े इसी तरह से लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग इसको देखिए, अपने बच्चों को भी बताइए, अपने मतलब दोस्तों को भी बताइए कि ये कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनको केवल बोर्ड देखना है, बोर्ड देना है, उनको तो ये देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू बच्चों।